शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। तेरा मेरा ये लड़की अब मेरे घर में नहीं रहेगी। गेट आउट। लाओ हमें तो। नहीं हमें छोड़ो हमारा पैर। चुप कर चाचू। तो दुनिया के सवालों के डर से हमारे दर्द बहुत छोटा है। तुम्हारा दर्द हमारे लिए बहुत मायने रखता है कहना। हम तुमसे और बापू से वादा किए थे कि तुम्हारे लिए हमेशा ढाल बनकर रहेंगे। देखो खाओ प्रिंस बाबा। चलो चलो खाओ प्रिंस। हटाओ इसको, हटाओ, हटाओ इसको। नहीं हम सब समझ रहे तुम्हारे नाटक। हटाओ इसको, हटाओ। पहले तो हम ही गिराते थे ना। लो खाओ। प्रिंस बाबा क्या हुआ? अगर उर्वशी मैडम को पता चला कि यह हमारी वजह से हुआ है तो वो जान ले लेगी मेरी। कहना हम तुम्हें कल भी नहीं जाने दिए थे और अब भी नहीं जाने देंगे। तो अब क्या करें हम यहाँ? क्या मतलब है हमारा रुख? और यहाँ रुकेंगे भी कहाँ? उर्वशी मैडम थोड़ी गुस्सैल और नकचड़ी है, वो नहीं मानेंगे, लेकिन हम उनके पापा बड़े साहब से बात करेंगे। उनको हम बताएंगे तो वो तुम्हें नौकरी से नहीं निकालेंगे। तो वो लोग तुमसे सवाल नहीं करेंगे कि हम तुम्हारी का लगते हैं जो तुम हमारी इतनी सिफारिश कर रहे हो? वो हम संभाल लेंगे, वो तुम हम पर छोड़ दो। प्रिंस के कमरे से क्या आवाज आ रही है? उर्वशी। हाँ माँ। आज तुमने जो किया ना वो सही नहीं था। कहना कहना सही पर अपने बेटे के बारे में तो सोचती। जितना काम इम्पोर्टेंट है उतना बेटा भी इम्पोर्टेंट है। अगर आज तुम अपने बेटे से थोड़ा सा भी करीब होती तो वो किसी गैर के साथ इतना घुल मिल नहीं जाता। अपनों को छोड़ के पराए के लिए इतना रोता नहीं। आप जानती है ना माँ, सिर्फ और सिर्फ आपके लाड प्यार ने प्रिंस को इतना बिगाड़ा है कि वो आज किसी की बात नहीं सुनता। और मैंने उसको ओहो, तुमसे बहस करना मतलब। खैर गहना के जाने की वजह से प्रिंस की हालत बहुत बहुत खराब है। जाओ जाके प्रिंस को संभालो। 6 साल का मैंने प्रिंस को किया है, कहना ने नहीं। मैं उसके लिए इतने सारे वीडियो गेम्स लाई हूं कि वो देख के बहुत खुश हो जाएगा और गहना को भूल जाएगा। लगता है इसके गले में खाना अटक गया है। प्रिंस प्रिंस बचवा, तुम ठीक तो? बचवा कठिन नहीं होगा तुम्हें, तुम चिंता मत करो। Thank you.
प्रिंस को, मेरे बच्चे को मार रही हो। प्रिंस, ये क्या हो गया इसे? ये तुम क्या कर रही हो? मेरे बेटे को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? और ये क्या किया मेरे बेटे के साथ? हे भगवान, इसको कुछ हो तो नहीं गया? अरे चुपकी, डॉक्टर को बुलाओ और पुलिस को भी। मेम साबू, प्रिंस के गले में कछुआ अटक गया था। डेयर नॉट। अब मुझे तुम्हारी ये झूठी कहानियां सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं। तो मुझसे बदला लेने के लिए मेरे बेटे को मार रही हो तुम? नहीं मेम साहब, ऐसा कछु नहीं। Dare not. अब मैं तुम्हारी इन झूठी कहानियों में नहीं आऊंगी। गलती तुमने की है और सजा हम सबको दे रही हो। मेम साहब, वो प्रिंस के गले में कछु अटक गया था। अभी तक तो सब ठीक था, तुम्हारे आते ही कुछ अटक गया। मैडम जी, एक बार गहना की बात सुन तो लीजिए। हमें नहीं लगता ये बच्चे के साथ ऐसा कुछ कर सकती है। Dare not. तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा कि नौकरों को घर के मामलों के बीच में बोलने की परमिशन नहीं है। नौकर भी इंसान ही होते हैं मैडम जी। इस दुनिया में हर इंसान किसी ना किसी का नौकर है। हम आपके यहाँ काम करते हैं तो हम आपके नौकर हैं। आप जिसके लिए काम करती हैं आप उसके नौकर हैं। तो इस दर्जे से इस दुनिया में हर कोई एक नौकर है। तो जब आप बोल सकती हैं तो हम भी बोल सकते हैं। कमाल का ड्राइवर है। क्या सही जगह पर इसने उर्वशी की जुबान पर ब्रेक लगाया। हम तो खुशी में अपनी नस ही काट ले। बस बहुत कर ली एक अदने से ड्राइवर ने हमारी बेटी से बहस। पुलिस नहीं आई अब तक? पर बड़े साहब, ये कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हमारी बेटी कभी गलत नहीं हो सकती और उसके हर फैसले से हम सहमत हैं। And you, दोबारा बीच में बोलना मत। इंस्पेक्टर, इस लड़की को लेकर जाइए। और जब गहना ने कुछ किया ही नहीं तो फिर आप इसे गिरफ्तार किस जुर्म में कर रहे हैं? ये एक फ्रॉड लड़की जो जबरदस्ती मेरे घर में घुस आई और जब मैंने इसे निकालने की कोशिश की इसने मेरे बेटे को मारना चाहा। ये इसका अपराध है। और कुछ जानना चाहते हो तुम? नहीं मेम साहब, ऐसा कुछ नहीं है मेम साहब।
प्रिंस, बचुआ, तुम ठीक हो? मुझे सुपर वुमन दीदी ने टेक कर दिया। ये प्रिंस, ये सुपर वुमन दीदी नहीं, सुपर बैड दीदी है। ये लड़की बैड लक है, पनौती। जब से ये लड़की इस घर में आई है, प्रिंस के साथ बुरा ही बुरा हुआ है। इसे मेरे घर से निकाल दिया तो बदला लेने के लिए मेरे बेटे को मारने की कोशिश की है इसने। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। नहीं मम्मा, प्रिंस बेटा सच सच बताओ नानी को, क्या हुआ था बेटा? नानी, मैं पास्ता खा रहा था, फिर पास्ता मेरे गले में फंस गया और वहाँ कोई भी नहीं था। फिर? और फिर सुपरवुमन दीदी खिड़की से जंप कर कर आई। और मुझे सुपर पावर से बचा लिया। हमने तो पहले ही कहा था ये लड़की किसी का बुरा नहीं कर सकती। हम पनौती नहीं, गहना। आज जो कुछ भी हुआ उसे भूलकर अगर तुम प्रिंस के लिए रुक जाओगी तो हमें बहुत खुशी हो। हम जानते हैं तुम प्रिंस को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती हो। वक्त रहते अगर तुमने प्रिंस को नहीं बचाया होता तो पता नहीं आज क्या हो जाता। तुम पनौती नहीं हो, हमेशा भगवान बनकर हमारे बच्चे को तुमने बचाया। एक बड़े होने के नाते तुमसे कह रहे हैं अगर तुम हमारे बच्चे के लिए रुक जाओ तो। तुम रुकोगी ना गहना? नानी, सुपर वुमन दीदी मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। बोलो ना गहना, क्या तुम रुकोगी? नहीं भरनी हमें तुम्हारी मां, नहीं करना हमें ये गौना। अरे नहीं मानते हम बचपन की उस शादी को। हमारी ये शर्त है कि अगले 48 घंटे में माई को सारा सच तुम खुद बताओगे। बड़ी मेम साहब, रुकना तो हम भी चाहते हैं, लेकिन अभी हमारी जिंदगी के कई तार उलझे हुए हैं। हमारे रिश्तों की नाव बीच मझधार में है और उसे पार करना ही होगा। ये उलझने जब तक सुलझ नहीं जाती ना, तब तक हम आपको कछु वादा नहीं कर सकते हैं। हाँ तो फिर ठीक है, अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम्स हैं तो हमें कोई आया की जरूरत नहीं, तुम जा सकती। उर्वशी, हम बात कर रहे हैं ना? ठीक है बेटा, अपना वक्त दो, सोचो समझो, फिर हमें बताओ कि तुम क्या करना चाहती हो। ठीक है दीदी, आप चलो मेरे साथ। देखो दीदी, ये सब मेरे टॉयज हैं। गहना, तुमसे बात करनी है।
हामी क्यों नहीं भर रही थी तुम? क्या सोचने के लिए वक्त चाहिए तुम्हें? यहाँ हमरी रहने की कोनो वजह नहीं है गौरव, जबरदस्ती लोगों को झूठे वादे देना ना ही सीखा हमने, और कुछ लोगों की तरह दिल तोड़ना भी नहीं। अरे क्या वजह चाहिए तुम्हें? बड़ी मेम साहब तुम्हें नौकरी दे रही है, एक नई जिंदगी की शुरुआत करने का मौका मिल रहा है, तो फिर क्यों सोच रही हो इतना? बच्चों तुम्हारे पास वो ड्राइंग बुक है और वो सारे रंग हम चित्र बनाएंगे। हाँ चल ले आ। क्या नाम तुम्हारे? हम यहाँ नई शुरुआत करने नहीं आए थे, पुराने रिश्तों की गांठ जोड़ने आए थे हम, लेकिन अब तो कोनो रिश्ता ही नहीं है ना, तो यहाँ रुकने का मतलब ही क्या हो? और अभी हम यहाँ इसीलिए रुके हैं ताकि तुम माई को फोन कर सको और उन्हें सारी सच्चाई बता सको, ताकि हम वहां जाकर उनका सामना कर सके। कहना अम्मा से क्या? बस बहुत हो गया गौरव, इस शहर में आकर तुम लोगों के जज्बातों से खेलना सीख गए होंगे, लेकिन हम नहीं। 48 घंटे दिए थे तुम, हमने ये शर्त है कि अगले 48 घंटे में माई को सारा सच तुम खुद बताओगे। अब उसमें से सिर्फ 24 घंटे बचे हैं गौरव, माई को सारी सच्चाई बता दो। हम यहाँ नई शुरुआत करने नहीं आए थे गौरव, पुराने रिश्तों की गांठ जोड़ने आए थे, लेकिन अब तो कोनो रिश्ता ही नहीं है ना, तो यहाँ रुकने का मतलब ही क्या हुआ? 48 घंटे दिए थे तुमको, अब इसमें से सिर्फ 24 घंटे बचे हैं गौरव, माई को सारी सच्चाई बता दो। हम यहाँ नई शुरुआत करने नहीं, रिश्तों की गांठ जोड़ने आए, तो यहाँ रुकने का मतलब 48 घंटे दिए थे तुमको, माई को सारी सच्चाई बता दो। बस बोर नहीं, मैं अम्मा को सच पता नहीं होगा। अम्मा से क्या कहेंगे हम? कहना क्या कि हम अम्मा हमारी बात नहीं मानेंगे। सॉरी अम्मा, हम तुम्हारा फोन नहीं उठा पाएंगे, कैसे बता पाएंगे तुम्हें ये सच? कैसे कहेंगे कि हमने गौना नहीं किया, लेकिन दोस्ती का वादा कभी नहीं तोड़ेंगे। लगता नहीं कि गौरव माई को सच बता पाएगा, हमरे सामने ही फोन करवाते हैं।
गौरव माई से इतना छुपकर कैसे बात कर रहा है? उर्वी कैसी है अब? तो हम उर्वी से मिलने आ सकते हैं ना? उर्वी, कमरे की तलाशी हम ही ले लेते हैं। यहाँ वो लड़की के बारे में हमें कुछ पता तो चलेगा। गौरव, हमका सच सच बताओ, का छुपा रहे हो तुम हमसे? हम क्या छुपा रहे हैं? वो लड़की पूर्वी, ये पूर्वी की फोटो है ना? अधूरे प्यार की पूरी कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।